चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो गया है और जिस लक्ष्य को इसरो ने हासिल करने के लिए विक्रम और लैंडर को चांद पर भेजा था वो भी पूरा हो गया। चंद्रयान 3 की सफलता के बीच इसरो वैज्ञानिकों के लिए एक दुखद खबर आई। चंद्रयान 3 की जानी पहचानी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भविष्य में इसरो के लॉन्चिंग मिशन में उल्टी गिनती गिनने वाली ये आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। लॉन्चिंग के दौरान उल्टी गिनने वाली इसरो की महिला वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हो गया। उन्हें शनिवार को हार्ट अटैक आया था। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिवर्स काउंटडाउन वलारमथी का आखिरी काउंटडाउन था। वलारमथी की आवाज चंद्रयान 3 के लिए शुभ साबित हुई थी और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया था। 64 साल की वलारमथी सतीश धवन स्पेस सेंटर में रेंज ऑपरेशंस प्रोग्राम ऑफिस में तैनात थी। 3, 2, 1, 0। मिशन की लॉन्चिंग पर रिवर्स काउंटिंग की आवाज सबसे अनोखी होती है। +5 सेकंड। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट किया जाता है वो आवाज भी अलग होती है। लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दौरान हर फेज के सफल होने की जानकारी जो शख्स दे रहा था, जी न्यूज ने उस वैज्ञानिक से भी बात की। एक आवाज जो नहीं बदलती है वो श्री जी गृहदुराई की है, जो अनाउंस करते हैं हर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में होता है लॉन्च के समय, वो इन्हीं की आवाज में आप सुनते हैं। सर, यू आर द मैन हु गिव्स वॉइस, आपकी आवाज में सब कुछ सुनते हैं। सो कैसे वो होता है, आपको मिशन में कंट्रोल रूम से कैसे जानकारी मिलती है, कैसे आप अनाउंस करते हैं? आई एम इक्विप्ड विद टेलीमेट्री डेटा एंड ट्रैकिंग डेटा। सो फ्रॉम दिस टेलीमेट्री डेटा ऑल द स्टेज पैरामीटर्स विल बी डिस्प्लेइंग ऑन द कंसोल। सो ऑल द पैरामीटर्स फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस टू से नॉर्मल, आई हैव द चैम्बर प्रेशर ऑफ द स्टेजेस गेटिंग डिस्प्लेड एट द सेम टाइम। बिकॉज ऑफ दैट इज देयर एनी पिच रोल एनी एरर इज देयर एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन सपोज टू बी देयर बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट हैपनिंग इन दैट स्टेज। सो दैट इज ऑल द थिंग्स nominals are there. So if it is following nominal, it's very easy to say it's performance normal. For the voice modulation, I will not practice. इसरो का कोई भी मिशन हो, लेकिन उस मिशन के लॉन्च के वक्त देश की धड़कनें और वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने का काम वो आवाजें ही करती हैं, जिसे हम लॉन्चिंग के दौरान अपने टीवी पर सुनते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।